हरे मतलब राधा रानी पहला शब्द है राधा रानी कृष्ण स्वयं भगवान हरे राधा रानी या सीता देवी राम राम मीन्स भगवान राम बलराम तो जब हम इस मंत्र को बोलते हैं तो हमारे अंदर भगवान की शक्ति एंटर करती है इसीलिए शब्द को बोलिए प्रेम से और सुनिए कोई भी व्यक्ति जब सुनेगा ना तो वो जल जाएगा हम सब सो रहे हैं अभी सांस फूलता है भगवान नाम करने से हम जगते हैं इसलिए प्रेम से सुनिए मैं गा रहा हूं आप सुनिए मैं गाऊंगा आप गाएंगे मैं सुनूंगा श्रवण कीर्तन
संकीर्तन और भी विशेष है. एकादशी के दिन कोई भी आध्यात्मिक कार्य अगर आप करते हैं तो 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है. तो आप एक बार महामंत्र बोलेंगे तो 1000 बार मंत्र बोलने के बराबर है. हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापकाचार्य प्रभुपाद जी के पीछे फोटो लगी है प्रभुपाद जी की. आज प्रवचन था सुबह प्रभुपाद जी का. जो प्रवचन होता है उसमें बहुत सुंदर छोटी सी बात थी जो हमें स्ट्राइक करी, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन हमें श्रवण करना होता है. भागवत में कहा है नित्यम भागवत सेवया. सभी लोग बोलिए नित्यम भागवत सेवया. प्रतिदिन भागवत का श्रवण करना प्रतिदिन, तो उससे क्या होगा बोलिए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु. जितनी भी अभद्रता है हमारे अंदर, अनवांटेड चीजें लाइफ में पाल रखी है, जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उनसे क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी. तो आज ब्रह्मा जी कह रहे थे, उनका उदाहरण देके समझा रहे थे प्रभु जी, कि अभी हर एक मनुष्य एंग्जाइटी में है, चिंता में है. और उसका कंपैरिजन किया प्रभुपाद जी ने कि अगर किसी व्यक्ति को बर्फ की शिला के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो परमानेंट है क्या? बर्फ की शिला पर खड़ा कर दिया, उसको कौन सा प्लेटफॉर्म ढूंढना है? बर्फ की शिला पर है तो उसको कौन सा ढूंढना चाहिए प्लेटफॉर्म? जमीन चाहिए, स्ट्रॉन्ग जमीन चाहिए, जो खिसके नहीं, जो पिघले नहीं. वैसे ही अभी हम सब लोग इस भौतिक जगत में उस बर्फ रूपी शिला पर अगर हम भक्ति करेंगे, संकीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? जमीन मिल जाएगी. आगे इस तरह से और छोटी छोटी बातों के साथ इस कीर्तन को कंटिन्यू करेंगे. याद रखिएगा अभी हम सब लोग किसके ऊपर खड़े हैं? बर्फ के ऊपर. धीरे धीरे बर्फ तो पिघल जाती है, वैसे ये जीवन धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है. तो हमें परमानेंट स्थान ढूंढना है, परमानेंट स्टेज ढूंढना है, और वो है भगवान का धाम. आइए अगले भजन से संकीर्तन से शुरू करते हैं. आप सभी से आग्रह है, निवेदन है, रसराज प्रभु जी स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ से आए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप समय तो दे ही रहे हैं तो पूरा आनंद के साथ ताली बजाते हुए आप इस संकीर्तन भाग लें. बाके बिहारी मेरे, बाके बिहारी नैनो में बस गए, सूरत ये प्यारे बाके बिहारी मेरे, बाके I'm gonna make it.
I'm
वृंदावन जाने को जी चाहे Thank you.
I'm
स्वामी प्रभुपाद जी जो कि शुद्ध भक्ति के प्रचारक हैं और स्वयं शुद्ध भक्त भगवान के, तो कहते हैं कि हमारा भजन हमारा नाम जप ऐसा होना चाहिए जैसे खोया हुआ बच्चा अपनी माँ की पुकार लगाता है, अब उसका कोई सहारा नहीं है, हेल्पलेस, पूरी तरह से आश्रित निर्भर उस बच्चे के समान हमें इस कीर्तन में इस नाम जप में भाग लेना चाहिए। अभी जो प्रभु जी ने भजन गाया राधे किशोरी दया करो और कृपा करो, तो मैं सब तरह के भक्त बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चार तरह के लोग मेरे पास आते, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और कामी। किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को दुखों के निवारण की आवश्यकता है, कोई ज्ञान के मारे आता है और कोई जिज्ञासा के मारे आता है। भक्ति के मारे बहुत कम लोग आते हैं। भगवद गीता भगवान कह रहे साथ देते हैं, बोलिए मनुष्याणाम, बोलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धये। हजारों लोगों में से एक व्यक्ति जो है जो भक्ति के मारे भगवान के पास आता है, जो भजन गाया राधे किशोरी कृपा करो, तो किसी के मन में चल रहा था राधे धन दे दो, किसी के मन में चल रहा था राधे बहुत शरीर के कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, सबके अलग अलग भाव थे। पर कोई आप में से भी एक दो भक्त ऐसे होंगे जिसके भाव ये होंगे कि भौतिक जगत की संसार की सुख सुविधा वैभव नाम सब कुछ दिया राधा रानी, अब तो आपके चरणों की सेवा दे दो, अब तो आपके चरणों के प्रति भक्ति दे दो। ये भाव जो है हम में से कुछ भक्तों के बीच में जरूर होंगे। मैं चाहता हूं कि बाकी भक्त भी इसी भाव से इस संकीर्तन में इस नाम जप में भाग लें एकादशी के विशेष दिवस पर। आज ही के प्रवचन में एक और बात की थी कि हमारा परम मित्र कौन है, तो प्रभु जी समझा रहे थे हमारा परम मित्र वो है जो हमारे भूले हुए संबंध को जागृत करते। हमारा भूला हुआ संबंध है किसके साथ, हम अपना संबंध भूल गए, भगवान के साथ है हमारा सबका संबंध है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, बोलिए ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। भगवान सबका संबंध है भगवान के साथ, लेकिन कुछ ही लोग इस संबंध को याद रख पा रहे हैं। तो वास्तविक मित्र कौन है जो आपको आकर के जगाए, देखो तुम्हारा भगवान के साथ संबंध है, तुम भगवान के अंश हो, वो वास्तविक मित्र है। बाकी दुनिया में जो आपको ये कहते हैं कि तुम्हारा ये अच्छा है तुम्हारा वो अच्छा है तुमने ऐसा किया तुमने वैसा किया, वो मित्र तो और हमें भगवान से दूर कर रहे और हमारे ज्ञान पे अज्ञान का पर्दा डाल रहे। तो आइए फिर से वो भाव कि भगवान सब कुछ है, लेकिन अब आपकी भक्ति दीजिए आपके चरणों की सेवा दीजिए। मैं रसराज प्रभु से निवेदन करूंगा इसी प्रकार से भाव भरे संगीत भजन का मैं आदर और साथ में हरि नाम संकीर्तन जो प्रभु जी ने कहा था वो भी चलता रहे। बाकी भी हरी के दास हो जाए, अदरवाइज
या तो कृष्णदास नहीं तो मायादास, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस संसार को बोलते हैं द्वंद, वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी। केवल दो ही चीजें यहां पर, नहीं अच्छा या बुरा, सुख या दुख, खुशी नहीं तो गम, है ना, या तो गरीब नहीं तो अमीर। तो या तो कृष्णा नहीं तो माया, दो ही चीज है। या तो आप महामाया के पास जाएंगे नहीं तो योग माया के पास जाएंगे। राधा रानी कौन है? योग माया। लेकिन दोनों मदर ही हैं, दोनों माँ ही हैं, लेकिन एक जो है ना वो हमको सिखलाती है थोड़ी कड़ाई के साथ, बड़ी स्ट्रिक्ट है वो महामाया। दुर्गा देवी स्ट्रिक्ट है, आपके दुख दर्द को नहीं सुनेगी वो, आप जब तक नहीं मानेंगे, टीचर की तरह है ना। तो भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि अगर तुम योग माया के सानिध्य में आ जाओगे, मम माया के, देवी माया के, तब सब कुछ बढ़िया होगा, तब तुम कृष्णदास बन जाओगे। तो यहां भी वही बोला जा रहा है, दास अपना बना लीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र जो हमने गाया उसका अर्थ यही होता है। हम भगवान से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना दास बनाए। प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी के पिताजी, वे हर समय एक ही प्रार्थना करते थे कि मेरे पुत्र को राधा रानी अपना दास बनाए। तो हम लोगों को भी यही प्रार्थना करना है, सत्संग कर रहे हैं, क्यों? राधा रानी के दास बने, क्योंकि जो राधा रानी का दास बनेगा वही भगवान कृष्ण का प्रिय हो पाएगा। क्योंकि भक्तों में सबसे जो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान की है, बांके बिहारी की, वो राधा रानी है सबसे ऊपर। इसीलिए कृष्ण का, भगवान कृष्ण के दास बनना है तो राधा रानी का दास। दास अपना बना I'm not afraid of the dark.
तो
धर्म क्यों करते हैं अर्थ के लिए, अर्थ क्यों चाहिए काम को पूरा करने के लिए, काम मतलब इतनी सारी इंजॉयमेंट की चीजें हैं तो, और काम पूरा हो जाने के बाद हम मुक्ति की तरफ जा सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन काम इतना इल्यूजरी है शास्त्र बोलते हैं, इतना ज्यादा उसके बाहर नहीं जा पाते, इसीलिए श्रीमद् भागवतम एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं करता है, एकमात्र डायरेक्ट मोक्ष की बात करता है। श्रीमद् भागवत में बोला गया है स्थाने स्थिता, आप जहां है वहां स्थित रहिए, आप बिजनेसमैन है भी बिजनेसमैन, आप टीचर है भी टीचर, हाँ आप एक बड़ी विद्वान व्यक्ति हैं, आप अपनी जगह पे रहिए, अपने पोस्ट पे रहिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये बात भागवतम में, स्थाने स्थिता स्थिता श्रुति गताम, एक काम करना है सुनना है, क्या सुनना है श्रुति भागवतम को सुनना है, हरिनाम को सुनना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान के मंदिर जाना, श्रुति गताम तनु मान मनोभिर, जहां है वहां रहिए, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करिए, शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए, कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन भागवतम को पकड़ करके, वो भागवतम आपको क्या बतलाएगा, ज्ञान वैराग्य युग में आपके ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो वैराग्य आएगा, किससे वैराग्य आएगा, वैराग्य का छोड़ना नहीं होता है, वैराग्य का अर्थ होता है सही जगह सही चीज को लगाना। एक हमारे आचार्य हुए रूप गोस्वामी, वृंदावन जब आप जाएंगे, वृंदावन को चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों ने ढूंढा था, जो वृंदावन पर तो जंगल ही था, तो वो जो 6 गोस्वामी है उसमें सबसे बड़े रूप गोस्वामी मिनिस्टर थे, वो बंगाल में वो मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी, तो वो रूप गोस्वामी बोलते हैं जो कुछ है इस संसार में वो सब हरि का है, और जब हम उन सारी वस्तुओं को हरि के साथ जोड़ देते हैं, हरि संबंध वस्तु ना, हर चीज को हरि के पास जोड़ना है, अनासक्तस्य विषयान, हमको इन सारी चीजों को खुद में डायरेक्टली नहीं लगा करके भगवान ठाकुर जी की सेवा करेंगे और प्रसाद रूप में उसको यूज करेंगे। बड़ा सा मकान है, बड़ा सा महल है, महल में बढ़िया ठाकुर जी का एक मंदिर बनाइए, सुबह शाम भगवान की भक्ति होना चाहिए, जाप होना चाहिए, और फिर प्रसाद रूप में पूरे महल को आप ग्रहण करिए। इसी प्रकार से जीवन के हरेक अंग को ठाकुर जी को पहले ऑफर करेंगे, वो निष्पाप हो जाएगा। 3 गुणों का बहुत बड़ा प्रभाव है, आप पाप करना नहीं भी चाहेंगे आप पाप करेंगे। 3 गुण, दुर्गा देवी के हाथ में 3 रस्सियां हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, तो सतोगुण में तो बहुत कम लोग जाता है आजकल, है ना, हम लोग रजोगुण में और तमोगुण में हैं। तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्चैव, काम लोभ में है। तो एकमात्र तरीका क्या है, भगवान के दास बनेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, हम अपने आपको हिमालय पे नहीं जाना है, सतयुग में हिमालय पे जाया करते थे योग करने के लिए, अष्टांग योग बहुत दुख से भरा, अभी क्या करना है, भक्ति योग करना है, भक्ति योग विधान अर्थम कुंती महारानी बोलती है। कुंती महारानी तो घर गृहस्थ वाले लोग हैं, पांडव क्या है, घर गृहस्थ, परीक्षित महाराज सब वही है, अमरीश महाराज, आप देखिए इतने इतने बड़े जो भक्त हुए ना, सब घर वाल परिवार वाले, और राजा है, उनके पास कितना काम है, ब्रह्मांड, करेक्ट। तो उन लोगों ने हमको बताया है जहां है वहां से भगवान के नाम का उच्चारण, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करे, और श्रीमद् भागवत और हरिनाम आपको बताएगा कि आपको आपका जीवन किधर लेकर के जाना है, केवल सुनना है, सुनेंगे अपने आप करेंगे, लोग सुनते नहीं है इसीलिए लोग करते नहीं, ठीक है। तो दास अपना बना